तो ये देखो प्यारे बच्चों, इस वाले अगर क्वेश्चन को तुम करोगे तो इसमें क्या मतलब कहा जा रहा है कि व्हेन ए फोर्स एफ एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास एम, मतलब एम मास का बॉडी है, इस पे तीन फोर्स लग रहा है। तो एम मास का बॉडी अगर इस पे तीन फोर्स लग रहा है और तीनों एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में, यहाँ पे आपस में मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट डायरेक्शन में अपोजिट है, तो यहाँ पर जो ये अंडर रूट वाले ये वाले जो फोर्स होते हैं, ये 90 डिग्री पे दोनों फोर्स हैं, इनका रिजल्टेंट ले लो। हमें ध्यान रखना है एक्सलेशन निकालना। एक्सलेशन इज इक्वल टू क्या होता है? नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी, ठीक है ना? नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी, दैट इज ए नेट एक्सलेशन देगा। तो नेट एक्सलेशन ऑन द बॉडी, नेट फोर्स ऑन द बॉडी डिवाइडेड बाई मास ऑफ द बॉडी, तो ये यहाँ इन दोनों का रिजल्टेंट इधर जाएगा, उसको मैं मान लेता हूँ एफ डैश। तो एफ डैश की सबसे पहले वैल्यू निकाल लो, मतलब एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर, और ये सब कुछ अंडर रूट, ठीक है? तो ये भी एफ का स्क्वायर है, ये भी एफ का स्क्वायर है, ठीक है ना? और ये सब कुछ है अंडर रूट, मतलब यहाँ है रूट टू एफ के बराबर आ जाएगा, दैट इज एफ डैश। तो अगर तुम देखोगे यहाँ एफ डैश की वैल्यू है, तो ये यहाँ से एफ एफ डैश इज इक्वल टू यहाँ से रूट टू एफ के बराबर आ जाएगा, और इसके अपोजिट जस्ट जा रहा है एफ थ्री, जिसकी वैल्यू भी मैग्नीट्यूड में एफ है। तो इसके अपोजिट जा रहा है एफ थ्री, इसकी भी मैग्नीट्यूड में एफ है, ये वाली चीज़। तो अगर तुम यहाँ देखोगे तो नेट फोर्स जो तुम्हें दिखेगा, नेट फोर्स वो दिखेगा एफ डैश माइनस एफ थ्री, ठीक है? मतलब नेट फोर्स, नेट एक्सलेशन इधर आएगा, तो एफ डैश रूट टू एफ और माइनस एफ, मतलब एफ यहाँ से कॉमन लोगे तो रूट टू माइनस वन, दैट इज़ वॉट, ये बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स है। तो नेट फोर्स ये है, तो नेट एक्सलेशन जनरेट हुआ जो कि अपन को इधर क्यों डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि ये वाला फोर्स ज़्यादा है, तो नेट एक्सलेशन जो है नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी, तो नेट फोर्स हम निकालिए एफ रूट टू माइनस वन, रूट टू माइनस वन डिवाइडेड बाई मास, यही इसका सोल्यूशन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसके टर्म में नहीं है, ठीक है? ये फोर्स एक्ट ऑन बॉडी ऑफ मास एंड प्रोड्यूस एक्सलेशन ए, तो जब इस पे सिंगल फोर्स लग रहा था एफ, तो उस वक्त एक्सलेशन ए जनरेट हुआ था, समझ रहे? अगर ये बॉडी ऐसे रही होगी और सिंगल फोर्स एफ लगता है, तो ये एक्सलेशन ए जनरेट करता है, इसके टर्म में सोल्यूशन चाहिए। तो मैं एफ इज इक्वल टू एम ए लिख सकता हूँ, और ये रूट टू माइनस वन यहाँ तो है ही, डिवाइडेड बाई मास एम, तो मास ने मास है, तो जब तीन लगेंगे तो अब एक्सलेशन हो जाएगा ए रूट टू माइनस वन। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, मजा आ गया होगा। तो ये अपना ए ऑप्शन मैच कर जाता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।